जतन पासिलकर मेरा लड़का है, तो नाई जो संस्था है उधर उसने अपना वो जोड़ लिया, उसके बाद उसका जो इम्प्रूव हो गया वो हम बहुत ही अच्छा वो इम्प्रूव हो गया है। और अब तो सब पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसे कुछ स्ट्रगल करके क्यों मेहनत करके ऐसे नाई को आप ही जोड़ जाएंगे तो उसका इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा होगा। चेतन जैसा लड़का है वो भी सपोर्ट करेगा और वो भी उसको अच्छी तरह से नॉलेज दे सकता है। और उसके आगे में क्या वो आप ही उसको एक धन्यवाद देता हूँ पिताजी करके, उसको आगे का उसको फ्यूचर अच्छा हो। नमस्ते, एसेस ऑफ एबिलिंपिक्स में आप सबका स्वागत है। पैब्लो पिकासो जो एक बहुत ऊंचे दर्जे के आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा था एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। एंड टुडे वी हैव विद अस चेतन पाशिलकर, The man who cannot hear, the man who cannot speak since birth. Despite of that, he's a great artist, he's a great painter. His hunar, his skill is his paintings. He cannot talk, but his paintings speak. If you see his paintings, you will cry seeing them because they speak, they give emotions. So today we are going to hear from Chetan his story, uski atmakatha, unki yatra. So namaste Chetan ji, aur Chetan ji ke sath jude hain unke father-in-law Suresh ji. Namaste Suresh ji. बताइए चेतन जी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको आपके घर में कौन कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और इसके उसके साथ हमें बताएं कि आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में कैसे बना। इस सब को नैरेट करेंगे हमारे इंस्ट्रक्टर, साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर पंकज जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चेतन जी बताएं। मेरा नाम चेतन है और मैं डेफ हूँ। मैं बहुत सोचता था कि मैं बहुत दुखी होता था कि क्या नाम है, मैं डेफ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना कैसे होगा, मेरा स्कूल बहुत दूर है, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मैं स्कूल, दूसरे लोग जो बोल सुन सकते हैं वो, उनके लिए पढ़ना लिखना बहुत इजी है ना, और मेरे लिए बहुत पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और फिर मैं देखता था कि लोग मुझे ना मतलब तरस के उस पे हेल्प करना चाहते हैं पढ़ने लिखने में, बट मेरे फादर साहब ने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि पहले तो हम लोग डरते थे कि आप डेफ हो बट आपको पढ़ना लिखना चाहिए। फिर वो बाद में मुझे सपोर्ट किया कि दूसरे जगह पे स्कूल में जाने के लिए, पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। आपके पिताजी क्या करते हैं चेतन, हमें बताएं। Thank you.
वो एक फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करते हैं जी, करते थे जी। अच्छा तो अभी रिटायर हो गए हैं। सुरेश जी हमें बताएं, रिटायर हो गए हैं जी सर, आपकी पुत्री का विवाह चेतन के साथ हुआ है, आपने चेतन में ऐसा क्या देखा कि आपने अपनी पुत्री का विवाह चेतन के साथ किया, और विवाह के बाद से उनकी जर्नी के बारे में बताएं, उनके पेंटिंग के बारे में बताएं, और नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपिक्स में जीतने का उसके सपने के बारे में मुझे बताएं। सर एक ऐसा वाकियात हुआ कि वो इंटरनेशनल इवेंट के लिए एयरपोर्ट पे चले गए थे पासपोर्ट बनाने हमारे थाना के ऑफिस में जी, और जैसे उनका बायोडाटा वहीं पे ऑफिसर ने देखा तो ऑफिसर अनफॉर्चुनेटली मेरे पहचान के थे, तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे मिसेस को फोन किया कि ऐसा ऐसा एक लड़का तेरे लड़के के लिए बहुत अच्छा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और वही से उन्होंने कम्युनिकेशन के पिताजी इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था, तो हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो हमारी जो बहन है उन्होंने हमें बायोडाटा उनका भेज दिया और हम लोग बहुत इंप्रेस हो गए कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है, और मेरी बेटी की ये चॉइस थी कि मैं जो लड़के से शादी करूंगी वो बोलने सुनने नहीं आना चाहिए, नॉर्मल लड़का नहीं चाहिए, ये मेरी बेटी की चॉइस थी, और ये चॉइस सही पे सही मायने में वहीं पे काम पे आ गए। और जैसे हम लोग ने उनका बायोडाटा देखा तो फिर कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे पेंटिंग्स भेजते गए, फिर कम्युनिकेशन करते गए, डॉटर को मेरे साइन लैंग्वेज आती थी तो एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात करते गए, पिताजी तैयार नहीं थे, डिग्री बाकी थी, मास्टर डिग्री बाकी थी, तो लड़का को यही तो विचलित ना हो जाए एजुकेशन से, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा, लड़के को दम दिया बोले तुम पढ़ाई पूरी करो, बिटवीन मेरे पिताजी से इन्होंने उन्होंने खुद से हमारी पत्रिका ले और जो देखे वो सब शादी का जो होना चाहिए था वो सब इवेंट हो गया, हमें लड़के में ये हुनर दिखा कि मेरी लड़की के लिए एक सही लड़का है, एक आर्टिस्ट ऐसा है जो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट है, और मेरे लड़की की भी चॉइस वही है, पेंटिंग ड्राइंग वही, लेकिन वो डिजिटल पे, बहुत तो ये सही चॉइस होगी उसके लिए कि दोनों का अलग फिट, एक थीम, दोनों का अलग थीम, एक विचार, ये सोच के हमने वो लड़के को शादी के लिए राजी करवाया, जैसे राजी ही करवाया समझ लीजिए, मेरी भी लड़की राजी होगी, नेटिव में थे बॉम्बे का कोई ये नहीं था, अभी कोई कजिन के पास रहते थे बॉम्बे में मास्टर करने के लिए आए थे, तो जैसे कि एक दूसरे के घर पे जाके रह के फिर पढ़ाई करना बोलेगा तो बहुत डिफिकल्ट होते, खाने का इशू, रहने का इशू, टाइमिंग का इशू बॉम्बे में, इसके बावजूद भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उसकी जो एबिलिटी थी जो बॉम्बे में रहना और मास्टर डिग्री करना, दूसरे के घर पे रहना, ऐसी हालत में रहना, और फिर उसमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना और पेंटिंग संभाल, ये सब उसके हुनर देख के मैंने मेरी लड़की के लिए एक सही चॉइस चुन ली, और जैसे ये शादी हुई तो दोनों का मिलन होने के बाद जो उन्होंने आगे और प्रोग्रेस किया, जैसे जो जो कॉम्पिटिशन वो पहले जीते हुए थे उसी की तरफ के कॉम्पिटिशन अभी वापस उन्होंने जीतना शुरू कर दिए, और जो कुछ भी जैसे भी जब भी वो सार्थक के साथ में जुड़े थे और जब भी नाई के साथ में जुड़े थे, और जैसे ही उनका जो हेल्प मिला वहां से जो गाइडेंस मिला और गाइडेंस को अपने अंदर उतारते चले, अपने अंदर वो सब जो नॉलेज है उनका जो पेंटिंग का जो रह चुका था डिग्री में मास्टर डिग्री में वो ग्रैप करते गए, जो समझ आ गए उनको, और वही उसी से उनकी पेंटिंग्स और भर गई और इलेबरेट हो गई, और जैसे कि उनका जो इंथुजियाज्म था ना वो डबल हो गया, जैसे अभी माता पिता साथ में नहीं है, अगर ये फादर इन लॉ ऐसे हेल्प करने वाले मिल गए तो उनके और तमन्ना बढ़ गई कि मैं कुछ करूँ, और जो पेंटिंग जो मेरे साथ रह चुका है, मेरा जो सब्जेक्ट रह चुका है उसके ऊपर पेंटिंग बनाऊ, जैसे प्राणियों में मानवीय संवेदना एक सब्जेक्ट है, अभी मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चे ने पेंटिंग में मुझे बताया कि क्या होता है, वो पेंटिंग में बताया कि एक कव्य की आत्मकथा क्या हो सकती है, एक प्राणी की आत्मकथा क्या हो सकती है, वो पेंटिंग में उन्होंने बताया, और ये मुझे और इंकरेज करते गई कि ये लड़के में कुछ हुनर है और कुछ करके दिखाने की एबिलिटी है, तो उनको मैं सपोर्ट करता चला गया।
उनको जो जो भी यहाँ पे डिफिकल्टी आती थी मैं उनको हेल्प करता गया, और वो उसी दौरान वो बाकी एक्टिविटी करते गए, कॉम्पिटिशन, पेंटिंग्स, डिफरेंट सब्जेक्ट पे अलग अलग पेंटिंग्स। और जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हो गई नाई की, जैसे ही ओलंपिक की, नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक की जब ट्रेनिंग शुरू हो गई तो और ग्रोम हो गए, और बात करने लगे, और पेंटिंग में बात करने लगे, और सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं, अलग अलग जो थीम्स थी, 10-15 थीम्स थी, उसका सब्जेक्ट इलेबोरेट करके, स्पेलिंग निकाल के, उसका मतलब निकाल के वो सब्जेक्ट को समझ रहे थे। जो समझ में नहीं आ रहा था हमें पूछ रहे थे, जो समझ में नहीं आया तो सुषमा मैडम को पूछ रहे थे, सार्थक साहब को पूछ रहे थे, सार्थक नई सुजन को पूछ रहे थे, जो भी उसमें सब जो माहिर लोग आते थे, जो जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स कर चुके हैं उनके साथ में उनके पेंटिंग्स सामने रखने लगे, सब्जेक्ट समझ में आ गया, डिफिकल्टी समझ में आ गई, पेंटिंग में जो कुछ भी छोटी मोटी कोई चीजें रहती थी वो खुद आत्मसात करते गए, मिस्टेक्स अपने पेंटिंग में खुद मिस्टेक ढूंढने लग गए। तो सुरेश जी हमको बताइए कि नेशनल ओलंपिक्स में ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स के लिए क्या तैयारी है, उनका क्या जज्बा है, वो कैसे कैसे उसके लिए वो आत्मसाद हो रहे हैं, और क्या मैसेज है हमारे 137 करोड़ देशवासियों के लिए आपकी तरफ से, चेतन की तरफ से? सर, जो सुनने की अक्षमता है और बात करने की जो क्षमता नहीं है उसके बावजूद उसका कोई मायना नहीं, उसके लिए चेतन के लिए उसकी कोई मायना नहीं कि मैं बात करूं या ना करूं, मैं सुन पाऊं या ना सुन पाऊं, मेरी पेंटिंग बोलेगी, मेरा थॉट बोलेगा, और भी पेपर पे कैनवास पे बोलेगा सर। तो ये चीज जब भी हम लोग इंटरनेशनल इवेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे थे तो उनसे मेरी बात हो गई और रजत साहब से मेरी बात हो गई कि ऐसा ऐसा करना है, मतलब ठीक है करना है, तो चेतन विल बी प्रिपेयर नाउ। चेतन इज कंप्लीटली डिफरेंट, वाइल कॉलेज टाइम वाइज मास्टर डिग्री करते थे तभी का चेतन और अभी का चेतन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अभी एक एक ग्रूम आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का आर्टिस्ट उसमें है, अभी इसमें अभी खुद को आदत डाली है 24 आवर्स बिना पानी पिए, बिना खाए पिए, बिना कुछ लेते हुए भी वो कंटिन्यू 10-12 घंटे 15 घंटे पेंटिंग कर सकते, क्या बात है। और जो कैनवास पे बोलेगा वो कैनवास भी बोलेगा कि उसने उसकी ये क्या है, इमेजिनेशन क्या है, उसका एम क्या है, उसका कैनवास बोलेगा। एक किस्सा मैं बताता हूँ, उन्होंने एक शहीद सोल्जर का पोर्ट्रेट बनाया, शहीद सोल्जर का, और जो पोर्ट्रेट बन रहा था और जब भी उसके उन्होंने आंखें निकाली, पूरा चेहरा निकाला और इतना घुस गए थे पेंटिंग के अंदर, 4 दिन उसके बाद में सोए नहीं, वो बोल रहे मेरे वो शहीद सोल्जर नजर सामने आ रहे, उसकी नजर मुझे खा रहे कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा ये पेंटिंग मुझे सवाल कर रही, तुम पेंटर हो लेकिन तू कुछ तो कर सकता है देश के लिए, हम बॉर्डर पे काम करेंगे लेकिन कुछ तो, ऐसी पेंटिंग मुझे बोल रही है, इसलिए मुझे 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही। इतनी वो पेंटिंग में खुद को झोंक देते हैं, कोई भी पेंटिंग हो, पोर्ट्रेट हो, नेचर का हो, एनिमल का हो, किसी की संवेदना बताना हो, तो वो पेंटिंग में पूरी की पूरी, कोई भी 0.01% का भी कोई गुंजाइश नहीं रखते हैं पेंटिंग। क्या बात जी। और ऐसे बहुत से पोर्ट्रेट मैंने निकाले हैं, एक दिन ऐसे हुए कि नीचे मॉर्निंग में नीचे गए, एक बूढ़े इंसान बैठे थे धूप में, उसमें कुछ समझ में आया और बूढ़े में उन्होंने कुछ देखा, तुरंत भाग के ऊपर आ गए, ये 7वें माले पे रहते हैं, अपना सामान लिए और वो अंकल के बाजू में जाके खड़े हो गए और उनका पेंटिंग करना शुरू कर दी, अंकल को पता भी नहीं था। और जब भी वो पूरी हो गई थी, उनकी डॉटर आ गई, कहीं से बाजार में गई थी उनको बिठा के, बाद में वापस आई तो देखी तो अरे मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट निकाला है उन्होंने, तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि एक देखो ये कैसा है कि 15-20 मिनट में उनका पूरा स्ट्रक्चर निकालना और पूरा उसका फिर पेंटिंग करना जगह पे बैठे, ऐसा है। जब भी उनको सब्जेक्ट आ गया एक बार ध्यान में तो उनको कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं उसका, समय क्या है, खाना खाया नहीं खाया कुछ नहीं,
मेरा वो कंप्लीट करना है, पेंडिंग मतलब कंप्लीट करना है। ऐसे जैसे और ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग थीम्स, इंटरनेशनल लेवल के थीम्स उन्होंने हमारे सामने रखे थे, और उसको आत्मसात करना बोलेगा तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि हम पढ़ाई में गांव में इंग्लिश का प्रॉब्लम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम, ये सब होने के बाद भी उन्होंने डिक्शनरी निकाल के वो सब्जेक्ट का मतलब निकाल के उसको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग बना, तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग अलग अलग बनाए जी। और कुछ चेतन जी, सुरेश जी, तो आपका क्या मैसेज है आपके बाकी दिव्यांग भाई बहनों के लिए और 137 करोड़ देशवासियों के लिए, जो दिव्यांग लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं इनके जैसे जो भाई बहन हैं या लड़के लड़कियां हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ चेतन की तरफ से, कि कोई अक्षमता नहीं है नेचर में, कोई अक्षमता नहीं है, हर एक के पास हर एक का हुनर है, हर एक अपना अपना हुनर समझ ले और उसी के ऊपर काम करें, उसमें कोई बैरियर नहीं आएगा, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं आएगा, कोई समझने का बैरियर नहीं आएगा, सुनने का बैरियर कुछ नहीं आएगा। अपनी आँख खुली रखो, अपना दिमाग चालू रखो, और जो सब्जेक्ट आपके दिमाग में एक बार ले लिए उसको चितारते जाओ। पेंटर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, स्कल्पचर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो आप, या कोई भी व्यक्ति हो आप, जिसमें आपको जो रुचि है, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो करो। चेतन जी का वही है, और क्या खाने को मिला, क्या मैं कितना आराम से रहता हूँ, वो एसी है, पंखा है, कुछ नहीं, लाइट है, पानी है, कुछ नहीं, ये सब देखो मत। आपका हुनर, आपका जज्बा वो बात करेगा, आपका जद्दोजहद, आपका जुनून वो बात करेगा, आपका सशक्त हृदय, आपका सशक्त दिमाग वो बात करेगा, आपकी आपकी सुख सुविधाएं। जी, तो बहुत बहुत बढ़िया बात बोली आपने चेतन जी, और बहुत बढ़िया बात बोली आपने सुरेश। देशवासियों को एक मैसेज देना चाहूंगा सर कि मेरे देशवासियों, या ऐसे जैसे हुनान लड़के हैं जो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, उसके पक्ष में, उसके बाजू में, जैसे कि एक माता पिता के रूप में खड़े हो जाइए और उनको सपोर्ट कीजिए, और जैसे सार्थक जैसी संस्था है, नाई जैसी संस्था है, उनको जुड़वा दीजिए बच्चों को, उनका करियर हो जाएगा, और क्या है, एक लाइन मिल जाएगी, उनकी खुद की एबिलिटी वो एलेबोरेट कर पाएंगे नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूँ कि हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे के पीछे खड़े हो जाओ और उनकी शुभकामनाएं दे, और अपने जमीन के साथ में उनके साथ में जुड़े रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम शुरू करते हैं अपना सपोर्ट चेतन फॉर गोल्ड कैंपेन जी। इस हैशटैग को जितना ज्यादा आप सपोर्ट कर सकें, इस हैशटैग को आप जितना ज्यादा चला सकें, फेसबुक पर, ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, सपोर्ट चेतन फॉर गोल्ड, सपोर्ट चेतन फॉर गोल्ड जी, सपोर्ट चेतन फॉर गोल्ड, और चेतन गोल्ड मेडल जीत के आएगा, इतने हमें आशा है और देशवासियों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सुरेश जी, पंकज जी, हमसे जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स में चेतन जरूरी भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।